तो एक नए किस्से के साथ एक बिल्कुल नए व्लॉग में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। आज तो ऑफिस में बवाल हो गया, पूरा व्लॉग जरूर से देखिए कि क्या बवाल हुआ है। स्किप मत करो बिल्कुल, बीच में से ऐसा खिसक मत जाओ, पूरा देखो प्लीज। तो चलिए व्लॉग शुरुआत करते हैं। आज अपने पास R15 है, चेतक को वर दिया टाटा बाय बाय और फिर से बैक टू आर वेरी ओन R15। तो आज क्या हुआ है, क्या ऐसा हो गया है कि बवाल हो गया है? बवाल ऐसा हो गया है कि हमारा टीम जो है वो धीरे से एक्सपैंड कर रहा है। हम लोगों ने नए लोगों को हायर किया है, उन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। आज उन लोगों का फर्स्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस था। अब क्या हुआ है, ट्रेनिंग होने के बाद, सर्टिफिकेशन होने के बाद एक ब्रीफिंग नॉर्मली होता है नए लोगों को कि टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे एक ब्रीफिंग होता है, वो नॉर्मली एक दिन के आसपास लगता है जब तक वो यूज टू ना हो जाए। तो वो ब्रीफिंग इन लोगों का बिल्कुल नहीं हुआ है और इन लोगों को बहुत सारे चीजों के बारे में बिल्कुल पता भी नहीं है, टूल्स तो दूर की बात है। तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों को प्रॉब्लम तो होगी नए वाले बंदों को, और वही हुआ है। अब मसला ये है कि क्योंकि इन्हें ब्रीफिंग नहीं मिला और हमें भी बिल्कुल नहीं बताया गया कि नए लोग जो है वो आज से ही काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें भी कोई उसका एक्सपेक्टेशन नहीं था। हम लोग ने सोचा है कि होगा, वो लोग काम करेंगे, एक दो दिन के बाद ब्रीफिंग होगा, सब कुछ होने के बाद वो लोग जब काम करेंगे तब हम लोग उन लोगों को मदद कर सकेंगे। बट वैसा कुछ भी नहीं था। अचानक से बोला गया कि आज ही उन लोगों को काम करना है और 4 hours का शिफ्ट उन लोगों को दे दिया गया है। 4 hours उन्हें कंपलसरी लॉगिन करके काम करना है, वरना नहीं होगा। हम लोग पड़ गए फसाद में, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। तो इधर उधर करके जैसे तैसे करके हम लोगों ने आज का दिन कंप्लीट किया है और इसीलिए आज का दिन हमारा पूरा बवाल हो गया है। कल का दिन तो और भी बवाल बवंडर होने वाला है क्योंकि कल उन लोगों को जल्दी बिठाया जा रहा है, जल्दी लॉगिन करवाया जा रहा है। और जल्दी कौन जाएगा, आपका भाई। यस, आपका भाई जल्दी जाएगा कल ऑफिस को। क्यों, उन लोगों को संभालने के लिए जाना तो पड़ेगा ना, हेल्प तो करनी पड़ेगी। वो लोग अकेले अकेले मतलब संभाल नहीं पाएंगे, तो उतना तो करना पड़ेगा ही मुझे। बट और एक प्रॉब्लम ये है कि कल मेरी एक फ्रेंड की एंगेजमेंट है। मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि कल ऐसा ड्रेस वेस पहन के ऑफिस आएंगे, ऑफिस आके ऑफिस से एक दोस्त को पिकअप करेंगे, फिर फ्रेंड के एंगेजमेंट में जाएंगे, एंगेजमेंट में जाके फिर वापस ऑफिस आके हाफ डे करके निकल जाओ। बट क्योंकि अचानक से जो झटका पड़ा है आज कि उन लोगों को मतलब नए वाले बंदों को आज से काम करना है, वो झटके के वजह से ना पूरा प्लान तितर बितर हो गया। अब मुझे आना है कल जल्दी। अगर मैं यहाँ पे जल्दी आ जाऊँ तो मैं अपने फ्रेंड के एंगेजमेंट पे तो जा नहीं सकता, वो एंगेजमेंट तो पूरा कैंसिल हो गया मेरा और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो मुझे वही लग रहा है कि क्या किया जा सकता था, अभी तो कोई उपाय भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आना पड़ेगा और मेरी फ्रेंड के एंगेजमेंट में मैं शायद ना जा पाऊँ या नहीं जा पाऊंगा सिचुएशन के वजह से। ऐसे सिनेरियोस आते हैं लाइफ में और हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, या आर या पार, दोनों में से एक। अभी तो यहाँ पे मैं डिसीजन लेना भी चाहूँ या नहीं भी लेना चाहूँ, मुझे तो कैसे भी कल काम करवा के छोड़ेंगे लोग, तो वहाँ पे आर या पार का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल ही जाता है। तो मेरा पार ही है, आर नहीं हो रहा है मेरा खुद का। तो ऐसा था आज का दिन, पूरा बवाल बवाल हो गया। और 1 बजे खाया दोस्तों, 1:30 बजे के आसपास मैंने अपना डिनर किया है। जो बंदा 10:30-11 बजे कर लेता अपना डिनर, और जो तिरंगा देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है ना। हाँ, टॉपिक कहाँ था। तो ऐसे हो रहा है सिचुएशन। अब आप बताओ, आप होते मेरी जगह तो क्या करते, कमेंट्स में जरूर से शेयर करके बताओ मेरे से। मैं उन कमेंट्स का बहुत ईगली वेट करूंगा आपके जवाब का। ठीक है, चलो आपका कैसा गया दिन, होपफुली आपको बढ़िया ही गया होगा। अगर आप शेयर करना चाहो तो अगेन आपके लिए कमेंट्स है। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में। और आपको जो अपडेट्स यूट्यूब में ना दिख पाए वो अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम में दिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाओ, क्लिक करो इंस्टाग्राम के लिंक पे और फॉलो करो अपने भाई को। चलो यहाँ से थोड़ा सा जोर से जाएंगे क्योंकि ठंड पड़ रही है मस्त। मैंने आप देख सकते हो कवरिंग पहन ली है, पूरा राइनॉक्स का जैकेट है, ग्लव्स भी है जिससे ठंड ना लगे, फिंगर्स तो बच जाए क्योंकि ये लेदर के ग्लव्स है, वीगन लेदर है ऑफकोर्स। और अपने पास R15 बैक, इसे अच्छे से धोया और धोने के बाद चमक रहा है फिलहाल। तो और एक प्लान ये है कि इसे फिर से धोना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि मैं इस बार धोया था और कपड़े से अच्छा खासा रगड़ दिया इसको, जितना भी मतलब खतरनाक वाला डस्ट था ना उसे मैंने निकाल दिया। और वो जस्ट स्प्रे लगा के इसका मतलब इनटू आउट वॉशिंग करवाना है और पॉसिबली सर्विस भी करवाने का सोच रहा हूँ। ऑल्दो सर्विस 3,500 किलोमीटर के आसपास ही करवाना चाहिए, बट मेरा ऐसा ये लग रहा है कि करवा दिए तो बेटर रहेगा, तो वही सोच रहा था मैं गाड़ी की सर्विसिंग के बारे में। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, कोई वैसा हिकअप नहीं है और माइलेज भी बढ़िया दे रहा है। ये देखो ऑटो वाले भाई साहब को लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे, लेफ्ट से बिल्कुल ओवरटेक करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या होगा। ऑलवेज ओवरटेक फ्रॉम राइट,
एंड फ्लैशर यूज कीजिए, हॉर्न यूज कीजिए ओवरटेक करने से पहले, जिससे सामने वाले बंदे को भी मालूम पड़े कि भाई साहब ओवरटेक करने वाला ही है और वो आपको प्रॉपर स्पेस देगी, हाँ कर लो ठीक है जाओ, लेफ्ट साइड तो बिल्कुल करनी नहीं है। चलो फ्लाईओवर आ गया अपना प्यारा फ्लाईओवर, जिसपे चला गया बहुत मजा आ जाता है, आते टाइम भी मजा आता है, जाते टाइम तो और मजा आता है, बिल्कुल खाली रहता है, आते टाइम भी कुछ ऐसा ही रहता है, बट इससे थोड़ा और ज्यादा रहता है पॉपुलेशन गाड़ियों की। ये देखो मैंने अभी बोला है कि लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना है और वो भाई साहब को देखो पल्सर पे ऐसे निकल जा रहे हैं, क्या है। इंडिया में ना सबसे पहले ट्रैफिक एजुकेशन होनी चाहिए, इंडिया के लोगों को ट्रैफिक एजुकेशन का ABCD तक नहीं पता है, वो मेन प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है उसका रूट कॉज भी मैं बताता हूँ। तो हम जब लाइसेंस लेने जाते हैं नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग जाते हैं RTO ऑफिस। कितने लोग हैं ऐसे जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, फिर लाइसेंस टेस्ट देते हैं, फिर जितना भी पढ़ना है वो पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद फिर पास होते हैं, उसके बाद उन्हें लाइसेंस मिलता है। तो नॉर्मली प्रोसीजर जो है वो कुछ ऐसा है, बट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो दलाल रहते हैं ना द मिडिल पीपल, उन लोगों के पास जाते हैं, लाइसेंस वो लोग बना के देते हैं और टेस्ट वेस्ट उसका भी तो लाइट ही है, पैसों से सब कुछ हो जाता है, 600 या 700 रुपए लगते हैं, 600-700 में आपका लाइसेंस हो जाता है। और इस बंदे को शायद टू व्हीलर के लिए टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं, अगर टेस्ट में फेल भी हो गया फिर भी पैसे देके पास हो जाएंगे लोग। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते लोगों से कि लोग ट्रैफिक एजुकेशन से मुहैया है या नहीं। इंडिया में यही प्रॉब्लम है, सब लोग ना शॉर्टकट ढूंढते हैं हर एक चीज का, रादर देन गोइंग इन अ बेटर वे, मिडिल मैन जो है वो वहां पे फायदा उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है शॉर्टकट एंड दे कैन सेल देमसेल्फ। बट एंड ऑफ द डे हमको नुकसान हो रहा है, हमको पता नहीं कि ये साइंस किस लिए है, ये जो साइंस लगे हुए हैं साइन बोर्ड यहाँ पे, तो ये साइंस किस लिए है हमको बिल्कुल नहीं पता, ऐसी है हालत। बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक एजुकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है छोटे जब से ही, तभी हम लोग ट्रैफिक रूल्स को रेस्पेक्ट करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को जितना बेहतर फॉलो किया जाए उतना बेहतर हमारा लाइफ बनेगा, क्योंकि उतने सारे एक्सीडेंट्स जो है वो हम बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, फिर एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे। ऑफकोर्स एक्सीडेंट्स लोगों की लापरवाही की वजह से होता है ना, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे इनको ना बहुत जल्दी है, क्या करे है अभी। तो चलो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का व्लॉग और मेरी धमाल दुनिया, क्या आपको ये डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हो तो जरूर से मुझे ना बता दीजिए आप, अगर सचमुच पसंद आ रहा है तो मैं इसे बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा, मैं एक दिन में गैप ना देने की पूरी प्लानिंग करी, ट्राई करूंगा कि गैप ना पड़े व्लॉग्स के बीच में। पर अगेन आपका सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप अगर सपोर्ट करोगे तभी तो मैं ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स बना पाऊंगा या ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा, आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो प्लीज 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 शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया, जेन्युइनली पसंद आया तो कमेंट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एंगेज कीजिए मेरे वीडियो के साथ, तभी तो यूट्यूब पुश करेगा कि नहीं ये बंदा हार्डवर्क कर रहा है, इसको पुश करते हैं इसके वीडियोस को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखे और व्यूज बढ़े, व्यूज अगर बढ़े तो ओवरऑल चैनल की ग्रोथ होगी, चैनल की ग्रोथ होगी तो मैं और भी बेहतर वीडियोस बना पाऊंगा इन द फ्यूचर। तो ये को रिलेट है एक दूसरे के साथ, प्लीज ऐसे ऑन करके काट मत दीजिएगा, जिससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ओवरऑल चैनल को। थोड़ा देखिए 2-3 मिनट 4 मिनट के आसपास, देखिए आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए, उसके ऊपर भी मैं काम करूंगा, बट सपोर्ट प्लीज। बस इतना ही आज के लिए, अगले वीडियो में हम लोग जरूर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।